हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। यहां हमें 40, 64 और 80 का एचसीएफ निकालना है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ये फैक्टराइजेशन मेथड से अलग है, आइए समझते हैं। अब हमें ऐसे अंक का चुनाव करना होगा जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो, हमें उसी से डिवाइड करना है। तो वैसा अंक 2 है जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 होगा, 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 होगा और 80 को डिवाइड करेंगे तो 40 होगा। फिर से हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। 2 से 20 डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 32 डिवाइड करेंगे तो 16 होगा और 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। फिर से हम एक बार 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 10, 16 और 20 का 2 कॉमन फैक्टर है। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 होगा, 16 को डिवाइड करेंगे 8 होगा और 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। अब कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो इन तीनों का फैक्टर हो। 2 से 8 और 10 डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 नहीं होगा, इसलिए अब हमें डिवीजन को यहां स्टॉप करना होगा। इस तरह से 40, 64 और 80 का एचसीएफ होता है 2, 2, 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।